सब्सक्राइब कीजिए सिविल टेक हिंदी चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कचरा हमारे जीवन में या किसी और अन्य के जीवन में क्या उपयोगिता रखता है? आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल पूछा है, कचरा तो फेंकने के बाद फालतू हो जाता है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप आज इस वीडियो को आगे देखते रहे और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं सिविल टेक हिंदी। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि कचरा फेंकने के बाद फालतू हो जाता है तो ऐसा नहीं है। कचरे को गाड़ियों में भरकर ले जाया जाता है, उसके डीकम्पोस्टिंग की जाती है, उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है वगैरह वगैरह। ये सब मैंने एक वीडियो में बताया है कि कचरे का गाड़ियों में ले जाने के बाद उसको टेक्निकल तरीके से उसका नष्ट कैसे किया जाता है या फिर उसको रीयूज़ कैसे किया जाता है, ये मैंने एक वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे वहाँ जाके देख सकते हैं ताकि आपको पता चले। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि कचरे को हम एक संसाधन के रूप में कैसे उपयोग ले सकते हैं। जी हाँ, हम कचरे को संसाधन के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। अभी 23 फरवरी 2018 को जो टाटा ट्रस्ट है, उसने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर एक वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें बहुत से विचारों पर डिस्कस किया गया। उसमें श्रीमती जो उमा भारती हमारी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की जो मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात बताई कि हम कचरे को एक संसाधन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। ये कचरा हमारे लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए और रोजगार के अवसर पैदा करेगा और उनको उससे रोजगार मिलेगा। इससे महिलाओं को अपनी जो स्किल्स है वो डेवलप करने में मदद मिलेगी और महिलाएं खुद को इस तरीके से सशक्त बना सकती हैं। इस वर्कशॉप में कई विचारों पर डिस्कस किया गया, जैसे हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ले लीजिए आप, और बायो डिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट है, और भी कई सूखा कचरा प्रबंधन है, इसके बारे में इस पॉइंटों पर विचार किया गया इस 2 दिन के वर्कशॉप में। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्री SS आहूलवालिया, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पर सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्सेज मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट पर एक वेब पेज बनाया है स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पर, जिसका उन्होंने अभी 23 फरवरी 2018 को उस वर्कशॉप में शुभारंभ किया। और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले कि हम कचरे को और संसाधनों के रूप में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने इस वर्कशॉप में आगे ये भी बताया कि जनता जो है वो 4R का जो सिद्धांत है, यानी रिड्यूस रीयूज रिकवर और रिसाइकिल, इसका महत्व सही तरीके से जाने। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।